साल 1920 से 1930 के दशक में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने यूनिवर्स के एक्सपेंशन की खोज की। उन्होंने देखा कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड में मौजूद सारे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। साल 1925 में एडविन हबल ने एक सिद्धांत की खोज की, जिसे आज हम हबल्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये सिद्धांत पहली ऑब्जर्वेशनल बेसिस थी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को मापने के लिए। हबल ने बताया कि यूनिवर्स काफ़ी तेजी से फैल रही है, लेकिन इससे पहले यानी साल 1922 में ही अलेक्जेंडर फ्राइडमैन ने अपने इक्वेशन, जिसे हम फ्राइडमैन इक्वेशन कहते हैं, के जरिए बता दिया था कि ब्रह्मांड शायद फैल रहा है। और इसके कुछ साल बाद ही हबल ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड वाकई में फैल रहा है। इस एक्सपेंशन को हबल फ्लो कहते हैं। हबल फ्लो के अनुसार ब्रह्मांड के सारे गैलेक्सीज क्लस्टर्स एक दूसरे से दूर जा रही है और इसके बढ़ने की गति और तेज होती जा रही है, जो कि बहुत ही अजीब है, क्योंकि हमारे भौतिकी के अनुसार किसी भी चीज़ को लगातार गति में बनाए रखने के लिए उसमें बल लगाना अति आवश्यक है। तो आखिर ब्रह्मांड कैसे बिना गति से लगातार बढ़ सकता है? और तो और ये गति लगातार और तेज होती जा रही है, तो आखिर ये कैसे मुमकिन है? तो यहाँ पर आया डार्क एनर्जी, एक ऐसी थियोरेटिकल एनर्जी जो ग्रेविटी के विपरीत काम करता है। यहाँ डार्क शब्द का अर्थ काला या अंधेरा नहीं है। डार्क मतलब वो जो हम देख नहीं सकते, जैसे कि डार्क साइड ऑफ द मून, यानी चांद का वह भाग जो हम नहीं देख पाते हैं, यानी डार्क एनर्जी को हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन ये एनर्जी बहुत बड़े पैमाने पर काम करती है और ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन को लगातार एक्सेलरेट कर रही है। परंतु साल 1970 में खगोलविदों ने देखा कि हमारी गैलेक्सी और हमारे आसपास के करीब लाखों गैलेक्सीज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में खींचती चली जा रही है, और ये डायरेक्शन यूनिवर्स के एक्सपेंशन के विपरीत है, क्योंकि हबल फ्लो के अनुसार ब्रह्मांड के सारे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जानी चाहिए यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण। परंतु हम, हमारी गैलेक्सी और आसपास के गैलेक्सीज हबल फ्लो के साथ साथ एक निश्चित दिशा की ओर भी खींचे चले जा रहे हैं। कुछ तो है जो हमें अपनी ओर खींच रही है। खगोलविदों ने इसे नाम दिया द ग्रेट अट्रैक्टर। परंतु आखिर ये क्या है, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, क्या आपने हमारे नए चैनल आई एम कौशिक को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करो, वहाँ हम हर संडे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो जाओ सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक, चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो इन सब की शुरुआत हुई थी साल 1970 के दशक में, जब वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB का एक डिटेल्ड मैप बनाया। अगर आपको नहीं पता है कि CMB क्या है, तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। तो उस समय मैप को कंप्लीट करते वक्त वैज्ञानिकों को दिखा कि हमारी गैलेक्सी जिस रीजन में एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ हल्का सा टेम्परेचर वेरिएशन था, जो कि थोड़ा अजीब था, क्योंकि बड़े लेवल पर हमारा ब्रह्मांड होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है। होमोजीनियस मतलब ब्रह्मांड हर क्षेत्र में समान रूप से बटा हुआ है, चाहे आप इसे कितनी भी दूरी से देखो, सभी क्षेत्र में मैटर समान तुलना में बटी हुई है। और आइसोट्रॉपिक मीन्स ब्रह्मांड का कोई भी निश्चित दिशा नहीं है, यानी ये हर तरफ से समदैशिक है। आसान शब्दों में ये किसी भी एक दिशा में नहीं बढ़ता, ना ही किसी एक दिशा में सिकुड़ता है, बल्कि ये सभी दिशाओं में समान रूप से चलता है। तो इसका मतलब था कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो कि एक तरह से हमारे ब्रह्मांड का मैप है, इसे यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो हमें यहाँ टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलती है। तो ये टेम्परेचर वेरिएशंस असल में बहुत ही कम थी, बहुत ही कम, परंतु इससे हमें ब्रह्मांड को समझने में काफ़ी मदद मिली। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में देखा गया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के रीजन का एक साइड थोड़ा गर्म था दूसरे छोरों से। गर्म था मतलब वहाँ ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो साल 2000 में उन दूसरे गैलेक्सियों की भी खोज की गई, और उसी के साथ वहाँ हमें मिला द ग्रेट अट्रैक्टर, जो कि हमारे साथ आसपास के लाखों गैलेक्सियों को अपनी तरफ खींच रहा है, वो भी 600 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। जी हाँ, हम, आप, हमारी धरती, हमारा सूरज, सारा कुछ 600 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसकी ओर खींचा चला जा रहा है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि हम ये नहीं जानते हैं कि वो आखिर है तो है क्या। हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि वो आखिर क्या है, और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, क्योंकि द ग्रेट अट्रैक्टर इंटरगैलेक्टिक स्पेस के उस रीजन में स्थित है जहाँ हम देख नहीं सकते। उस क्षेत्र को हम कहते हैं द जोन ऑफ अवॉइडेंस। हम उस क्षेत्र को नहीं देख सकते क्योंकि वो एरिया हमारे मिल्की वे के गैलेक्टिक प्लेन के परे है, जहाँ की रोशनी हमारे पास नहीं पहुँच पाती है। परंतु वो चीज़ चाहे जो कुछ भी हो, उसकी ग्रेविटी बहुत बहुत ही अधिक होगी, क्योंकि इतने सारे गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच पाना कोई मामूली बात नहीं है। तो इससे साफ होता है कि वो कोई ब्लैक होल नहीं है, बल्कि वो कुछ उससे भी बड़ा होगा। जी हाँ, ये एक रहस्य है जिसे हम आज तक सुलझा नहीं सके हैं।
द ग्रेट अट्रैक्टर साउदर्न स्काई में हमसे करीब 25 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर सेंटोरेस कॉन्स्टिलेशन में स्थित है। फरवरी 1997 में हाई पास यानी हाई पार्केस ऑल स्काई सर्वे में साउदर्न स्काई की अच्छी तरीके से स्टडी की गई और एक्सरे की मदद से हम कुछ हद तक जोन ऑफ अवॉइडेंस की तरफ देख पाने में सक्षम हुए और इसके जरिए हमने खोजा नॉर्मा क्लस्टर को, एक गैलेक्सीज का विशाल समूह जो द ग्रेट अट्रैक्टर की दिशा में स्थित है। इसमें हजारों गैलेक्सीज मौजूद है। इसकी खोज के बाद हमें एक और रहस्य का पता चला। हमें पता चला कि हम जिसके बारे में उत्सुक थे वो द ग्रेट अट्रैक्टर तो बस मामूली है, बल्कि हम तो इससे भी बड़ी चीज की तरफ खींचते चले जा रहे हैं, क्योंकि द ग्रेट अट्रैक्टर का ग्रेविटेशनल पुल इतना भी अधिक नहीं है कि वो आसपास की इतनी सारी गैलेक्सियों को अपनी तरफ खींच सके। और खगोलविदों ने बताया कि ये शायद सेपली सुपर क्लस्टर हो सकता है जो सभी को अपनी तरफ खींच रहा है। ये सुपर क्लस्टर हमारे नज़दीकी ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की सबसे बड़ी झुंड है और इसी वजह से ये ग्रेविटेशनल इंटरैक्टिंग यूनिट बन चुकी है जो आसपास की गैलेक्सियों को अपनी तरफ खींच रही है। सेपली सुपर क्लस्टर हमसे करीब 65 करोड़ 23 लाख प्रकाश वर्ष दूर है सेंटोरेस कॉन्स्टिलेशन में। इसे सेपली अट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके होश उड़ा देंगे। जैसा कि आज तक वैज्ञानिक ये सोचते थे कि हमारी गैलेक्सी और आसपास की गैलेक्सीज असल में एक निश्चित डायरेक्शन में खींचती चली जा रही है, परंतु साल 2017 में वैज्ञानिकों को ये पता चला कि एक तरफ खींचे जाने के साथ साथ वहीं दूसरी तरफ से हमें धकेला भी जा रहा है। जी हाँ, हम जिस डायरेक्शन में द ग्रेट अट्रैक्टर की ओर खींचे चले जा रहे हैं वहीं विपरीत ओर से एक बल हमें धकेल रही है। ये वाकई में सबसे बड़ी रहस्य है और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जो हमें धकेल रहा है वो असल में एक सुपर वॉइड है। सुपर वॉइड मीन्स विशाल खाली जगह और इसे हम कहते हैं द डाइपोल रिपेलर। ये मिल्की वे तथा अन्य पड़ोसी गैलेक्सियों को धकेल रही है सेपली सुपर क्लस्टर की ओर। है ना बहुत ही अजीब। वेल, हमारी वर्तमान की भौतिकी इतनी एडवांस नहीं हुई है जिससे हम आज पूरी तरह से इनके रहस्यों से पर्दा उठा सके, परंतु हम जरूर एक ना एक दिन द ग्रेट अट्रैक्टर के रहस्य को सुलझा ही लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स तथा फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट फॉलो करो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।